Hello students, in this video we will continue further with electrostatics. Okay, in the previous video we had looked at Gauss law and we had looked at the applications of Gauss law. Gauss law is used to find out electric field in symmetrical cases. जहां पे भी charge distribution आपका symmetrical होता है वहां पे आप electric field बहुत ही आसानी से find out कर सकते हो. So अभी जो हम लोग case करेंगे that is electric field ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर. सो ये नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है तो चार्ज जो होगा वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. कंडक्टिंग होता तो बस चार्ज जो होता वो सर्फेस पे ही होता, राइट. सो लेट से द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम. सो वी विल टॉक अबाउट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. लेट्स कॉल इट एज रो. ओके, लेट से दिस इज कॉन्स्टेंट. फाइन, अब इसके वजह से आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो पहले केस में हम लोग ये मानते हैं कि ये जो पॉइंट है इट इज आउटसाइड द सिलेंडर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एट अ डिस्टेंस आर. सो केस वन इज व्हेन आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, दिस कैपिटल आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. नाउ गॉस लॉ यूज करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा. नाउ गॉसियन सरफेस जो होगा, मैंने आपको कहा था इट शुड आइदर बी सिमेट्रिकल विद दिस और द सरफेस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो मान लो कि मैं अब सरफेस ये ऐसे बनाता हूं. सो आई मेक अ गॉसियन सरफेस विच इज अ सिलेंडर. द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल. ठीक है, फाइन. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल. सो आगे हम लोग क्या करेंगे. ओके, दिस गॉसियन सरफेस, दिस हैज बेसिकली थ्री सरफेसेस. वन, ये टॉप सरफेस हुआ, ये आपका बॉटम सरफेस हुआ, एंड देन ये जो है आपका कर्व्ड सरफेस है. ओके, ना हमें ये पता है कि अगर जो यू हैव अ इन्फिनाइटली लॉन्ग सिलेंडर, तो इन्फिनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इट विल बी सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यू हैव अ लॉन्ग वायर. नाउ ड्यू टू लॉन्ग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल. तो यहां पे भी सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स, आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स होगी. This would be your direction of electric field. Okay, fine. Now you can see that this electric field cannot cut the top surface. Surface one को भी cut नहीं कर सकता, surface two को भी cut नहीं कर सकता. ये जो field lines है they will not cut. When surfaces को अगर जो नाम देता हूं, let's say this is your surface one, this is surface two, and then this is your surface three. So ये field lines जो है वो one and two को तो cut ही नहीं करेंगी. तो फ्लक्स थ्रू वन एंड टू विल बी इक्वल टू जीरो. सो आई कैन राइट फ्लक्स थ्रू वन विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वन. दिस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू टू विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस टू. दिस इज इक्वल टू जीरो. तो जो भी अब आपका फ्लक्स होगा वो बस ये कर्व्ड सरफेस से ही पास होगा. ओके, सो योर टोटल फ्लक्स is simply equal to flux through surface 3 which is equal to flux through curved. अब circle करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस surface 3 consider कर रहे हैं ना, तो surface 3 closed नहीं है. So let me write this as flux through surface 3. So that is E dot ds 3. ओके, अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड्स होगा. तो आपका एरिया वेक्टर भी जो है वो यही डायरेक्शन में होगा, बाहर के ही डायरेक्शन में होगा. दिस इज योर एरिया वेक्टर. ओके, सो द डायरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर वुड बी जीरो, क्योंकि दोनों ये सेम डायरेक्शन में है. सो आई कैन राइट दिस एज ई into ds into cos 0. Okay. Now, ये जो आपका सरफेस 3 है इस पे जो सारे पॉइंट्स है वो इस सिलेंडर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे,
क्योंकि ये जो सिलेंडर है जो आपका गॉसियन सरफेस है एंड ये जो आपका सिलेंडर है दे आर को एक्सियल, दोनों की एक्सिस सेम है ना, तो गॉसियन सरफेस पे जो सारे पॉइंट्स होंगे वो सिलेंडर से इक्वल दूरी पे होंगे, तो बिकॉज सारे पॉइंट्स सिमेट्रिकली लोकेटेड है तो सारे पॉइंट्स पे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, तो आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस। ऑन गॉसियन सरफेस 3, 1 एंड 2 पे तो वैसे ही फ्लक्स 0 है तो उसको इग्नोर करना, एंड गॉसियन सरफेस जो 3 है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, तो मैं इस ई को बाहर निकाल सकता हूं, तो माय टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई कॉस 0 इज 1, इंटीग्रल ऑफ डीएस, इंटीग्रल ऑफ डीएस इज बेसिकली टोटल एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। सो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का कितना होगा, ई 2 पाई, इसकी रेडियस है स्मॉल आर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, दिस इज योर टोटल फ्लक्स। नाउ गॉस लॉ यही कहता है ना, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, बेसिकली टोटल फ्लक्स यही होता है ई डॉट डी एस, दिस इज नथिंग बट योर टोटल फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब ये आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, तो अगर जो आप देखोगे तो आपका जो भी चार्ज है वो इसी रीजन में है ना, सिलेंडर के अंदर जो भी चार्ज है वो आपका इस रीजन में, सो हाउ मच चार्ज इज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू, हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है रो इनटू द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, वॉल्यूम एनक्लोज्ड, सो रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट वुड बी इक्वल टू, ये पार्ट भी शेडेड पार्ट भी तो सिलेंडर ही है एंड इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल। प्लीज सी आई एम टेकिंग दिस रेडियस क्योंकि हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए ना, तो आप इसी का रेडियस हो गए दैट इज आर इनटू एल। सो अब ये अप्लाई करते हैं यहां पे, सो टोटल फ्लक्स इज ई इंटू 2 पाई आर एल, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब क्या क्या चीजें कट हो जाएंगी, सो इफ यू सी दिस पाई विल गेट कैंसल्ड, एल विल गेट कैंसल्ड, सो नाउ व्हाट यू विल गेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू रो इंटू आर स्क्वेर 2 एप्सिलॉन इंटू आर। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स विच आर आउटसाइड द सिलेंडर। नाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स विच आर ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, केस 2, यहां पे आर इज इक्वल टू आर, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। ओके, फील्ड एट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो आप आर इज इक्वल टू आर सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, ई इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन इनटू आर, दिस इज रो आर बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब आता है केस 3 जहां पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स विच आर इनसाइड द सिलेंडर, केस 3। आई जस्ट क्विकली ड्रॉ द डायग्राम अगेन, जहां पे आर इज लेस देन आर, सो दिस इज बेसिकली ये हमारा चार्ज सिलेंडर है, ओके दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर,
this is, these are the charges uniformly charged. अच्छा अब हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन साइड द सिलेंडर. तो आपका गॉसियन सरफेस वापस सिमेट्रिकली होगा, बस वो अब छोटा सिलेंडर होगा. ओके लेट्स से द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज स्मॉल आर. अब गॉस लॉ सीधा अप्लाई करता है, हमें पता है कि ये टॉप सरफेस यहां से एंड यहां से कोई फ्लक्स तो पास होगा नहीं, तो जो भी फ्लक्स पास होगा वो कर्व्ड सरफेस से ही होगा. तो आपका टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. टोटल फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई. अच्छा वापस मैं सेम आर्ग्यूमेंट दे सकता हूं, कर्व्ड सरफेस जो है उसके सारे पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड है, तो सारे पॉइंट्स पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सेम ही होगी, तो इंटीग्रल साइन की ये बाहर आ जाएगी. अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड एरिया का डायरेक्शन सेम ही है, तो कॉस थीटा वन हो जाएगा. एंड इंटीग्रल ऑफ डीएस, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है यहां पे, टू पाई आर, लेट से द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, टू पाई आर एल. ओके दिस इज योर गॉसियन सरफेस. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया. राइट हैंड साइड चार्ज एनक्लोज्ड. अब चार्ज तो पूरे इसमें, बट गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कहां कहां पे है? गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो इस रीजन में है ना, तो आपको इस रीजन का चार्ज चाहिए. इस रीजन के अंदर कितना चार्ज होगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो इन टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एल. ओके अब क्या क्या चीजें कट हो जाएंगी वापस, पाई एंड पाई गेट्स कैंसल्ड, एल एंड एल गेट्स कैंसल्ड, एक आर कट हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ बिकम्स इक्वल टू रो आर. अच्छा बाय एप्सिलॉन मैं भूल गया यहाँ पे, बाय टू एप्सिलॉन. ओके नाउ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आप ये इसको ऐसे लिखोगे, रो आर बाय टू एप्सिलॉन. ठीक है कल हम लोगों ने स्पीयर के केस में देखा था, स्पीयर के केस में थ्री एप्सिलॉन आ रहा था, यहां पे इन द केस ऑफ सिलेंडर इट इज रो आर बाय टू एप्सिलॉन. ओके फाइन ओके नाउ लेट्स कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर. लेट्स से इट इज द सिलेंडर. ओके ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जो हमने अभी केस देखा था वैसा ही ये केस है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है. सो चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. मान लो इस सिलेंडर के अंदर एक कैविटी है एंड इसकी एक्सिस एंड इसकी एक्सिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दिस कैविटी इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग, इन्फिनाइटली लॉन्ग, एंड दिस कैविटी इज ऑल्सो वर्टिकल. ओके द एक्सिस ऑफ द कैविटी इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. अब ऐसे केस में आपको कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो तो कितनी होगी. आपको याद है कल हम लोगों ने ऐसा केस स्पीयर के लिए किया था, स्पीयर के अंदर कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी. नाउ जैसे वो किया था बाय द सेम लॉजिक यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कैविटी विल बी सेम, इट विल नॉट बी डिफरेंट एंड द वैल्यू वुड बी इक्वल टू रो डी बाय टू एप्सिलॉन, क्योंकि यहां पे आपको रो बाय टू एप्सिलॉन आ रहा है ना, तो इट विल बी रो बाय टू एप्सिलॉन इनटू डी. एंड डी क्या है, इट इज बेसिकली द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द मेन सिलेंडर टू द एक्सिस ऑफ द कैविटी. ओके एंड सो हर एक पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो डायरेक्शन ऐसा होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो डायरेक्शन ऐसा होगा. एज लॉन्ग एज दीज पॉइंट्स आर नॉट क्लोज टू एंड, बीच वाले रीजन में कहीं पे भी है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज कॉन्स्टेंट एट ऑल पॉइंट्स एंड उसकी वैल्यू जो है वो ये होगी. ठीक है
नाउ वी विल गो ऑन टू कंडक्टिंग सिलेंडर. नाउ कंडक्टर्स के केस में हमें पता है कि चार्जेस जो भी आप देते हो वो हमेशा सरफेस पे ही आ जाता है. ओके सी सरफेस पे क्यों आता है, क्योंकि दो रीजंस है. अंदर एक तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, ताकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, चार्जेस हैव टू बी स्टेशनरी, एंड चार्जेस स्टेशनरी तब होंगे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शुड बी जीरो. एंड दूसरा, चार्जेस हमेशा खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बिकम्स जीरो. एंड सेकेंड की बिकॉज दे रिपेल ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाना प्रेफर करेंगे. सो दैट इज वाई दे विल गो एंड रिसाइड ऑन द सर्फेस, सर्फेस पे रिसाइड करेंगे. तो यहां पे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं, वी विल टॉक अबाउट सर्फेस चार्ज डेंसिटी. लेट्स से सर्फेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा एट अ डिस्टेंस आर. मान लो दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, एंड ये एक्सिस से एट अ डिस्टेंस आर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. वापस आप क्या करोगे, आप ऐसा एक गॉसियन सरफेस बनाओगे. करेक्ट. नाउ हमें पता है कि ये टॉप एंड बॉटम सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, फ्लक्स लाइंस, क्योंकि इसको कट ही नहीं करेंगे. तो जो भी सारा फ्लक्स होगा वो ये कर्व्ड सरफेस से ही पास होगा. आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, आपका एरिया वेक्टर जो है विच इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन फॉर द कर्व्ड सरफेस. सो योर टोटल फ्लक्स बाय द सेम लॉजिक इज इक्वल टू ई इनटू एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस विच इज, हमें पता है ना ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर. सो ई इंटू ये गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, इफ द लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर इज एल, तो ये हो जाएगा 2πRL. ओके नाउ दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड. हाउ मच इज चार्ज एनक्लोज्ड? नाउ चार्ज जो है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर, चार्ज तो बस इस सिलेंडर पे ही प्रेजेंट है ना, तो सिलेंडर का जो भी कर्व्ड सरफेस है उस कर्व्ड सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है आपको? ओके, इट्स सिमिलर टू दिस. मान लो कि ये इतना, ये जो ग्रिप है, ग्रिप वाला जो पार्ट है, ये ग्रिप वाला पार्ट इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है. तो हमें गॉसियन सरफेस के अंदर हाउ मच इज द चार्ज एनक्लोज्ड, इट इज बेसिकली द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन दिस ग्रिप. इस ग्रिप पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द ग्रिप, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ ये कर्व्ड सरफेस एरिया इस पार्ट का कितना होगा, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, सो इट इज इक्वल टू 2πRL. ओके, आपको रेडियस इसकी देनी पड़ेगी ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए. सो आप गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, टोटल फ्लक्स दैट इज ई इंटू 2πRL, दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज दैट इज 2πRL डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. अब चीजें कट करते जाए, 2π कट हो जाएगा, एल और एल कट हो जाएगा. सो व्हाट यू विल नाउ गेट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इंटू आर. ठीक है, फाइन. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड I'll have to put small r is equal to capital R. So electric field would become sigma r divided by E into r. So sigma by epsilon. ठीक है, एक बार चेक कर देना, शायद कल हमें फॉर
स्पीयर, मेटल स्पीयर, हमें शायद ऐसा ही शायद एक्सप्रेशन मिला था. जस्ट जस्ट चेक इट वंस. ओके. एंड इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द कंडक्टिंग सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, राइट? किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है. कंडक्टिंग सिलेंडर दैट इज आर लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट केस नाउ. दैट इज व्हेन यू हैव इनफिनिटली लार्ज चार्ज शीट. एक बड़ी सी हॉरिजॉन्टल प्लेट इमेजिन करो, या ये जैसे ये वॉल है, आप घर पे बैठे हुए हो तो साइड में आपके वॉल है, तो उस पूरे वॉल पे अगर जो आपने चार्जेस डाल दिए है तो उस वॉल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. ओके. नाउ वी विल डू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इन्फिनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट. सो दिस इज नॉट अ मेटल शीट, ये नॉन कंडक्टर से बना हुआ है. ओके. सो ये इस तरह, फॉर एग्जाम्पल लेट से यू हैव अ पेपर. ओके. सो पेपर कैन इटसेल्फ बिहेव लाइक अ चार्ज शीट. ओके. सो इट हैज टू सर्फेसेस, एक राइट हैंड साइड वाला सर्फेस, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्फेस. समझ में आ रहा है आपको? ओके. या जैसे ये पेपर है, एक ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस. सो दिस शीट हैज बेसिकली टू सरफेसेस. ओके. सो से फॉर एग्जांपल जैसे ये फोन है, करेक्ट? सो फोन, इट हैज टू सरफेसेस, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला. नाउ ये नॉन कंडक्टिंग शीट है. नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं एक सरफेस पे चार्ज डालता हूं तो ये चार्ज दूसरे सरफेस पे फ्लो नहीं होता, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है ना, तो नॉन कंडक्टर में चार्जेस इस तरह से फ्लो नहीं हो सकते. तो अगर जो मैं राइट हैंड साइड वाले ही सरफेस पे चार्ज डाल रहा हूं तो ये चार्ज यहीं पे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला सरफेस जो है वो अनचार्ज्ड होगा. ओके. तो ये इस तरह से शीट है जिसका एक साइड, देयर इज चार्ज ऑन ओनली वन सरफेस. ओके, फाइन. नाउ लेट्स से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. And only one side is charged, one surface is charged. ठीक है. अब इस शीट को जब आप इस साइड से देखते हो, मतलब इस शीट को जब आप ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया से देखते हो, आप देखो अब ऊपर से जब आप देख रहे हो तो आपको ना ही ये साइड दिखाई दे रही है ना ही ये साइड दिखाई दे रही है, आपको बस ये पतला सा ये थिकनेस दिखाई दे रहा है ना, तो इसी को मैंने यहां पे बनाया हुआ है. आई हैव मेड दिस ओवर हियर. सो दिस इज बेसिकली क्रॉस सेक्शन व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द शीट. ठीक है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द शीट. अब आपको फाइंड आउट करना है कि एट अ डिस्टेंस आर हाउ मच वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज वॉट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके. सो लेट्स डू वन थिंग. एट अ डिस्टेंस आर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो आपको ये सोचना है, लेट्स से यहां से एट अ डिस्टेंस आर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो किस तरह का गॉसियन सरफेस बनाओगे? सी दो चीजें होनी चाहिए, आइदर गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल टू दिस, या फिर गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि जहां पे एरिया बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें यह तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा. तो यहां पे द एरिया दैट आई एम मेकिंग इज, आई एम मेकिंग दिस टाइप ऑफ एन एरिया. आई एम मेकिंग अ सिलेंडर ओवर हियर. ओके. लेट्स से दिस डिस्टेंसेस आर, सो मैं उतना ही ये साइड पे भी बना रहा हूं. This is also R. Let's say this radius is capital R. Okay. Fine. Now आपकी electric field जो है वो इस तरह से है. So again two surfaces, one, two. Okay.
एंड ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। नाउ इवन दो इस सरफेस पे चार्ज नहीं है बट यहां पे तो चार्ज है ना, तो ये चार्जेस भी तो ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, तो ये चार्जेस जैसे राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को कट करती हुई जाएंगी इस तरह से, एंड जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको कट करेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको भी कट करते हुए जाएंगे। करेक्ट, सो नाउ आई कैन से दिस फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी सेम। सो इफ आई कॉल दिस एज माई सरफेस वन, दिस एज माई सरफेस टू, सो फ्लक्स थ्रू वन एंड फ्लक्स थ्रू सरफेस टू वुड बी सेम। ओके, एंड दोनों केसेस में ये फ्लक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि ये जो फील्ड लाइन्स है वो सरफेस के बाहर निकल रही है। राइट हैंड साइड पे भी दीज फील्ड लाइन्स आर गोइंग आउट ऑफ द सरफेस, लेफ्ट हैंड साइड पे भी दीज फील्ड लाइन्स आर गोइंग आउट ऑफ द सरफेस। सो आई कैन से फ्लक्स वन, फ्लक्स वन एंड फ्लक्स टू आर इक्वल एंड पॉजिटिव। अच्छा, मोरेवर इस सरफेस के जो सारे पॉइंट्स है एंड इस सरफेस के जो सारे पॉइंट्स है, ये आप समझ रहे हो, ये दो सरफेसेस प्लेन होंगे। ओके, दीज टू सरफेसेस वुड बी प्लेन एंड ये वाला जो सरफेस होगा ये आपका कर्व्ड सरफेस होगा। तो ये जो दो सरफेसेस प्लेन है तो इस पे जो सारे पॉइंट्स होंगे एंड इस सरफेस पे जो सारे पॉइंट्स होंगे वो यहां से इस प्लेन शीट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। इफ आई जस्ट मेक इट ओवर हियर, ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस इज अ प्लेन सरफेस, सरफेस वन एंड सरफेस टू आर प्लेन। Plane surfaces. So therefore, all points on 1 and 2 are at equal distance. From the sheet. Okay. So because surfaces 1 and 2 are plane surfaces, all points on surface 1 and 2 are at equal distance from the sheet. So I can write therefore electric field at all points on 1 and 2 will be constant. ठीक है? So if electric field at all points on surface 1 and all points on surface 2 is constant, तो उस electric field को हम लोग integral sign के बाहर निकालेंगे। अच्छा, what about the curved surface? If you can imagine it, ये जो curved surface है ना, curved surface, जैसे ये आपका curved surface है, तो अगर जो आप ऊपर वाला section देखते हो, ये वाला section, तो यहाँ पे area vector जो है वो ऐसा होगा, this is your area vector. राइट, एंड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दीज आर परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। सो आई कैन से फॉर कर्व्ड सरफेस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, तो देयरफॉर फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज जीरो। ठीक है, तो अब आपका टोटल फ्लक्स, let me do it now, let's total flux is equal to flux through surface 1 plus flux through surface 2 plus flux through curved surface. Now flux through surface 1 and flux through surface 2 are equal, ye hum logon ne likha hua hai, they are equal, so this is 2 times flux through surface 1 and curved surface se jo flux hai that is 0. What I am saying is this is equal to flux 1, right?
So that is why this becomes 2 times flux 1. Now this is equal to flux through surface 1, it is electric field E dot ds. Now आपकी electric field जो है ये electric field बाहर के direction में, यहां पे ये आपका प्लेन सरफेस है तो इसके लिए एरिया वेक्टर भी ये बाहर के ही डायरेक्शन में होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल जो होगा दैट वुड बी जीरो. सो आई राइट दिस एज 2 इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस. सो 2 ई बाहर निकलेगा. अच्छा इसका एरिया ये सर्क्यूलर है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है. सो ये मिल गया हमें टोटल फ्लक्स. अब आपको चाहिए चार्ज एनक्लोज्ड, विच इज वेरी सिंपल. चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द शीट, ये शीट का एरिया जो अंदर है. नाउ ये सर्क्यूलर है तो यहां पे भी एरिया सर्क्यूलर ही होगा, एंड ये एरिया, ये जितना एरिया है उतना ही एरिया ये भी होगा. तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर. यू वोंट कंसिडर दिस बिकॉज यहां पे तो कोई चार्जेस ही नहीं है, चार्जेस बस यहीं पे. तो इट इज सिग्मा इंटू द एरिया ऑफ दिस विच विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस दैट इज पाई आर स्क्वायर. अब इन दोनों को इक्वेट करता है. सो देयरफॉर यूजिंग गॉस लॉ आई कैन से 2 टाइम्स e इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन. चीजें कट हो जाएंगी, पाई आर स्क्वायर. सो व्हाट यू विल गेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. यू कैन सी दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. ओके इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. हम लोगों को ना ऐसा रिजल्ट मिला हुआ है. हम लोगों ने आपको याद हो तो डिस्क के लिए एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी, एंड अगर जो पॉइंट डिस्क के बहुत पास में था आपको ऐसा ही एक्सप्रेशन मिला था. ओके सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली चार्ज लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट. ओके अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंडक्टिंग शीट कंसिडर करेंगे एंड गॉस लॉ को ऑलमोस्ट खत्म करेंगे. ठीक है फाइन, विल एंड द लेक्चर ओवर हियर. बाय.